हेलो फ्रेंड्स, आज वीडियो का टॉपिक है फुर्केरिया। तो इस प्लांट पे हम वीडियो बनाएंगे। फुर्केरिया फुर्केरिया जो है ये ऑर्नामेंटल प्लांट है। इसको कुछ लोग अगावा की फैमिली से एगावे की फैमिली से बताते हैं, लेकिन कुछ बोलते हैं कि ये अलग स्पीशीज़ है। तो चलिए इसको हम पोट से निकाल के ज़मीन में लगाएंगे। ज़मीन में क्यों लगाएंगे? क्योंकि ये जो प्लांट है ये बहुत बड़ा हो जाता है। इसकी जो लीव्स है ये तकरीबन 6 फीट तक फैल सकते हैं, बहुत लंबे बड़े बड़े, और हाइट भी कुछ इस तरह 6 फीट तक एक नॉर्मल बंदे की हाइट की हो जाते हैं। तो ज़मीन में ये अच्छी तरह से ग्रो कर लेगा। ज़मीन उसको लिए थोड़ी ड्राई होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा नमी से ये ख़राब हो सकता है। आप इसको देख सकते हो, ये पॉट में है तो हम पानी ज़्यादा डालने की वजह से ये गल गई। आप इसको चेक कर सकते हो। इसकी जो रूट है ज़्यादा पानी से ख़राब हो सकते हैं, और पानी की कमी की वजह से भी ख़राब हो सकते हैं। तो पानी इस तरह देना है कि ज़्यादा भी ना हो और कम भी ना हो। वैसे ये कम पानी में बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन ज़्यादा पानी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर, ज़्यादा पानी से ख़राब हो जाता है। ये मैं दो प्लांट ले गया, एक ही है और एक मैंने वो दूसरा पॉट में लगाया है। तो चलिए एक्सपेरिमेंट करके इसको ज़मीन में उतारते हैं। इसके लिए हम इधर ये जगह हमने सेलेक्ट की है, तो इसके लिए थोड़ी जगह बनाते हैं और फिर मिलते हैं। ये जगह हमने बनानी, ज़मीन तैयार है। अभी पॉट ये फुर्केरिया को पॉट से निकाल के इसी में डाल देंगे। तो ये मिट्टी बहुत नरम हो गया, तो बहुत आसानी के साथ इससे ये निकल आएगा बाहर। तो चलिए पहले इसको थोड़ा नरम करते हैं साइड से, ताकि ये मिट्टी ये गमले को छोड़ दें। इसको इधर से खींच के निकाल दें। ये निकल आया। तो चलिए आपको इसकी रूट्स भी दिखाते हैं कि इसकी रूट्स कितने हैं। खैर ये ख़राब नहीं होता, ये बहुत हार्डी प्लांट है, इतना आसानी के साथ ख़राब नहीं होता। आप ये तो गमले में था, तो इसलिए इसकी रूट बाउंड थी, तो ज़्यादा ग्रो नहीं की। अभी हम इसको जब ज़मीन में उतारेंगे तो इसकी जो रूट्स है वो बहुत नीचे तक चली जाएंगे, और ये जो ख़राब जिधर है इसको हम इधर से कट करेंगे, क्योंकि ये आगे से फिर मसला करते हैं इसको। अभी एक हाथ से थोड़ा कट करना मुश्किल है। चलो मैं इसको रेडी करके फिर मिलते हैं। तो इसको हमने अभी ज़मीन में लगा दिया, थोड़ा मिट्टी साइड पे डालते हैं इसके। इसके लिए कुछ ख़ास फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती, और ज़मीन में इसकी ग्रोथ अच्छी रहेगी। इसको पानी देने की अभी ज़रूरत नहीं, क्योंकि ज़्यादा पानी देंगे तो ऑलरेडी बारिश हुआ है, तो ज़मीन काफ़ी नम है।
अभी मैं थोड़ा फाइनल ओवरव्यू दिखा देता हूँ ऊपर से। तो ये प्लांट रेडी है, हमारे पास दूसरा भी है, तो दूसरा को कुछ फासले पे उधर हम लगाएंगे। पहले इसके रिज़ल्ट को कुछ दिनों के लिए चेक करेंगे, अगर इसकी ग्रोथ अच्छी रही तो फिर ये जो दूसरा हमारे साथ है पोर्ट में, ये वाला, ये हमने इसमें लगाया था, तो ये देखिए ये पानी की वजह से ख़राब हो रहा है। पानी ना डालो भी ख़राब है, पानी डालो तो भी ख़राब होता है। तो हमने इसको इसलिए ग्राउंड में लगाया कि ग्राउंड में शायद ये गलने का जो है ये ख़त्म हो जाए। तो उम्मीद है आप दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और नीचे कमेंट्स में आप फीडबैक भी दें कि कौन सा वीडियो फिर अपलोड करें, किस चीज़ पे वीडियो बनानी है। तो आपकी फीडबैक से बहुत फ़ायदा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।